हाय गाइस, सोलन हिल पेंट्री एक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन एप्लीकेशंस का रिव्यू दूंगा, इस एप्लीकेशंस का नेम है कैशलैंड। तो गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशंस पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कैशलैंड एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है और ये एप्लीकेशन सच में लोन प्रोवाइड करता है कि नहीं और कैशलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं और आप लोगों को इस एप्लीकेशंस पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस, जरूर वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं कैशलैंड एप्लीकेशंस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और गाइस, अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशंस को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा KYC डॉक्यूमेंट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं 3000 और 10 वर्डेज 7 डेज के लिए और जो लोन अमाउंट बैंक खाते में आएगा 1860 रुपीज़, सर्विस फी 1140 रुपीज़। तो नीचे बोरो मनी नाउ का ऑप्शन से बोरो मनी नाउ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने के बाद आ जाएगा क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन। तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा अंडर रिव्यू का ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर सही होता है तो इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। बट गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशन की तरफ से जो 10 वर डे प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 7 डेज के लिए 10 वर डे प्रोवाइड किया जाता है और सर्विस चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस, अगर आप लोग कैशलैंड एप्लीकेशंस की तरफ से लोन लेते हैं और लोन को टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोगों को पता है कि कैसे लोन एप्लीकेशंस की तरफ से लोन रीपेमेंट करने के लिए हैरेसमेंट किया जाता है। और गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशन NBFCs RBI रजिस्टर्ड नहीं है और ये एप्लीकेशन RBI गाइडलाइन और रूल्स फॉलो नहीं करता है, सिर्फ कम दिनों के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और लोगों से ज़्यादा सर्विस भी लेता है। और गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए अच्छा एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि इस एप्लीकेशन की तरफ से जो 10 वर डे प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 7 डेज के लिए 10 वर डे प्रोवाइड किया जाता है और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं कैशलैंड एप्लीकेशंस का रिव्यू दिखाऊंगा। रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैशलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं। तो रिव्यू देख सकते हैं, फेक ऐप। नीचे और रिव्यू पे ये कहा गया कि दिस इज़ टोटली ए बिग बस्टर्ड एंड फ्रॉड लोन ऐप। नीचे और रिव्यू पे ये कहा गया कि सच ए चीप फ्रॉड ऐप, डोंट एवरी ट्राई टू अप्लाई फ्रॉम दिस फ्रॉड लोन चीपर्स। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, फेक आस्किंग मनी, आई हैव पेड नो रिसीव लोन, मेकिंग पीपल फुल ओनली डाटा कलेक्शन चीटर। तो गाइस, कैशलैंड एप्लीकेशंस के बारे में क्रिटिकल पे जितने सारे रिव्यू दिए गए हैं, रिव्यू देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैशलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं और आप लोगों को इस एप्लीकेशंस पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस, यही था आज का एक छोटा सा जानकारी। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं कैशलैंड एप्लीकेशंस के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि कैशलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं और आप लोगों को इस एप्लीकेशंस पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।